आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आई एम टीचर आयशा फ्रॉम दारियाकम DHA एंड स्टेट लाइफ ब्रांच। स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों की वर्कबुक जो है वो स्कूल में सबमिट करवानी है, तो मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि जल्द अज़ जल्द इसी वीक के अंदर बच्चों की जो वर्कबुक्स है उनका काम कम्प्लीट करवाएँ और स्कूल में सबमिट करवाएँ जितना जल्दी हो सके। ठीक है, इसी वीक के अंदर आपने अपने बच्चों की जो वर्कबुक है वो स्कूल में सबमिट करवानी है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट फ्रॉम टास्क कुरान अस्मा इसना मुकम्मल याद करनी है आपने। ये आपकी उर्दू की वर्कबुक में है, ये देखें अस्मा इसना, ये कंप्लीट है 1 से लेके 5 तक। ये आपने कंप्लीट याद करनी है और तर्जमे के साथ याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट CS एंड एक्शन वर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। CS और एक्शन वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर जो है वो आपने 1 से लेके 5 तक याद करनी है, 1 से लेके 5 तक। ये देखिए 1 से लेके 5 तक ये CS और जो एक्शन वर्ड्स हैं वो भी 1 से लेके 5 तक। ठीक है, 1 से लेके 5 तक आपकी रिवीजन हो रही है, मैं आपको फिर से दे रही हूँ रिवीजन में ताकि आपके जो है सबक वो आपको अच्छे तरीके से याद हो, या आपने क्वेश्चन आंसर जो है वो अच्छे तरीके से याद करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस हेल्दी फूड्स। हेल्दी फूड्स के अंदर जो है फ्रूट्स वाला है वो आपने याद करने हैं। हेल्दी फूड्स में जस्ट फ्रूट्स हैं वो आपने याद करने हैं। ये देखिए, ये आपकी मैथ्स की वर्कबुक की बैक साइड पे है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी हैं और ये नीचे भी एग और मिल्क भी है, लेकिन आपने फ्रूट्स वाला जो ये रो है ये आपने याद करनी है, ऑरेंज एप्पल बनाना मेलन मैंगो। ठीक है, ये आपने फ्रूट्स याद करने हैं, इनके नेम्स याद करने हैं और ये आप खाते भी हैं। ठीक है, जब आप खाएँ तो उनका नेम आपने इंग्लिश में लेना है। नेक्स्ट इंग्लिश राइम और उर्दू राइम। इंग्लिश राइम पॉइंट नंबर 5 और उर्दू राइम पॉइंट नंबर 5, दोनों राइम्स की पॉइंट नंबर 5 जो है वो आपने याद करनी है। ये देखिए इंग्लिश राइम्स है पॉइंट नंबर 5, रेन रेन गो अवे, एंड उर्दू राइम बादल गरजे, ये आपने कम्प्लीट याद करनी है। दोनों पॉइंट्स को आपने यूट्यूब लिंक से निकाल लेना है और वहाँ से एक्शन के साथ और जैसे वो पढ़ते हैं वैसे आपने याद करना है। ठीक है, मेरे रिवीजन में ये पॉइंट्स आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो और आपकी प्रिपरेशन जो है पॉइंट्स की वो अच्छी हो। ओके, हम नेक्स्ट आ जाते हैं रिटन वर्क पे। इंग्लिश राइट ऑन नोटबुक A to J आप लिखनी है इस तरह से, कॉपी रेडी करनी है A to J फिलिंग इन ब्लैंक्स की तरह से और इस तरह से नीचे जिसे लिखा हुआ सर्कल द करेक्ट लेटर। ठीक है, ओके राइट A to J आपने कैसे लिखनी है कि आपको आपको पता चल गया होगा फर्स्ट लेटर क्या आता है, ए, फर्स्ट लेटर आप लिखेंगे ए, ए के बाद क्या आएगा ए, ए के बाद क्या आता है बी, तो आपने बी लिख देना है, बी, बी के बाद सी, सी तो लिखा हुआ है, सी के बाद डी, इस तरह आगे ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, नेक्स्ट नीचे है सर्कल द करेक्ट लेटर, आपने पिक्चर के हिसाब से देखना है कि पिक्चर में क्या बना हुआ है, ये डॉल्फिन, डॉल्फिन किससे बनती है, सी से डी से या ई से, डी से, डी पे आपने इससे सर्कल लगा देना है, डी ड डॉल्फिन। और नेक्स्ट नीचे वाला देखना है कि ये क्या पिक्चर बनी हुई है और ये फर्स्ट लेटर इसका कौन सा होता है, इसका नेम जो है वो किससे बनता है। ठीक है, आपने उसके ऊपर सर्कल कर देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं उर्दू पे, राइट ऑन नोटबुक अलिफ्ता खे आपने इस तरह से उर्दू की कॉपी जो है वो रेडी करनी है। इसमें भी ऐसे ही है कि अलिफ्ता जो खे है वो आपने फिलिंग दी ब्लैंक्स की तरह से लिखना है, लाइंस आपने इसी तरह से मिड में छोड़ देनी है, इस तरह से आपने कॉपी रेडी करनी है। स्टार्ट में हमने क्या लिखना है, अलिफ, अलिफ के बाद क्या आता है अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा के बाद क्या आता है बे, बे के नीचे वन डॉट, बे के बाद पे ते टे से, इस तरह यहाँ तक आप लिखना है खे। नेक्स्ट लिखा हुआ है तस्वीर का पहला हर्फ लिखें, ये देखें दो पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपने देखना है ये क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है ये टमाटर, टमाटर किससे बनता है टे से, तो यहाँ पे आपने लिख देना है टे टे टा टमाटर। और ये क्या बना हुआ है चांद, चांद किससे बनता है चे से, तो वो आपने यहाँ चे लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम मैथ्स पे, राइट ऑन नोटबुक 0 to 10। 0 to 10 जो है हमने काउंटिंग कम्प्लीट हो गई हुई है, अब आज हम कम्प्लीट लिखेंगे 0 से लेकर 10 तक। ये देखें इस तरह से आपने कॉपी रेडी करनी है, 2 times लिखनी है आपने, एक तरफ लिखी होगी, 2 दफ़ा आपने वहाँ से देख के लिखनी है और विदाउट मेजर डॉट। ठीक है, यहाँ से देख लिखना है जैसे लिखा हुआ है 0 0 और यहाँ पे भी 0, इस तरह 1 2
थ्री लिखना है और साथ साथ बोल बोल के पढ़ना भी है. फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन ज़ीरो टेन. ठीक है, इस तरह से आपने पूरी काउंटिंग लिखनी है और साथ साथ बोल बोल लिखना है ताकि आपको ये काउंटिंग याद हो. ओके पीजी क्लास, आपका वर्क इतना ही था. जो जो चीज़ें रिवीजन हो रही हैं उनको आपने अच्छे से याद करना है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो. नीट नीट वर्क करना है, पेंसिल को शॉर्प करके लिखना है, मेजर डॉट्स बिल्कुल नहीं लगाने और मामा को बिल्कुल काम करते हुए तंग नहीं करना. वन डॉट पे आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि आप लिख लें. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है. ओके पीजी क्लास, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़.